जीवन में हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छा पाने के लालच में हम आज हाथ आए अवसर को गंवा देते हैं और फिर जीवन भर पछतावे के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। और यही बात बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगी जब आप आज की कहानी सुनेंगे, क्योंकि आज मैं सिद्धार्थ आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप जानेंगे कि भविष्य में ज्यादा अच्छा पाने के लालच में इंसान क्या गंवा बैठता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक व्यक्ति को जीवन में लगातार असफलताएं मिल रही थीं। वो दुखी था। मानसिक तनाव की वजह से उसका मन अशांत हो गया था। वो कम मेहनत में ज्यादा बड़ा लाभ पाना चाहता था। एक दिन उसके क्षेत्र में प्रसिद्ध संत आए। संत के पास गांव के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंच रहे थे। वो दुखी व्यक्ति भी संत के पास गया। व्यक्ति ने संत से कहा, गुरुदेव, मैं कम समय में सबसे आगे पहुंचना चाहता हूं। मैं नीचे से शुरू नहीं करना चाहता। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं जल्दी ही मेरे लक्ष्य तक पहुंच सकूं। व्यक्ति की बात सुनकर संत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मार्ग बता दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, बताइए मुझे क्या करना है। संत बोले, मेरे बाग में से सबसे सुंदर फूल तोड़कर ले आओ, लेकिन ध्यान रखना, एक बार आगे निकल जाओ तो पीछे पलटकर फूल नहीं तोड़ना है। वो व्यक्ति संत की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, मैं अभी फूल ले आता हूं, ये तो छोटा सा काम है। वो व्यक्ति संत के बाग में गया तो उसे पहला ही फूल बहुत सुंदर लगा, लेकिन उसने सोचा कि आगे इससे भी सुंदर फूल मिलेंगे। वो आगे बढ़ने लगा। उसे बाग में एक से बढ़कर एक सुंदर फूल दिख रहे थे, लेकिन वो सबसे अच्छा फूल देखने के लिए आगे बढ़ता रहा। जब वो बाग के अंत में पहुंचा तो वहां सिर्फ मुरझाए हुए और बेजान फूल थे। ये देखकर व्यक्ति निराश हो गया। संत की शर्त के अनुसार पीछे नहीं पलट सकता था। उसने मुरझाए फूल तोड़े नहीं और खाली हाथ ही संत के पास पहुंच गया। संत ने व्यक्ति से पूछा, तुम फूल लेकर नहीं आए? व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज, बाग में फूल तो बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन मैं सबसे सुंदर फूल लेकर आना चाहता था, इसलिए अच्छे फूलों को छोड़कर आगे बढ़ता रहा। बाग के अंत में तो सभी फूल मुरझाए हुए थे, इसी वजह से मैं खाली हाथ आ गया। तो सुना आपने, ज्यादा अच्छे फूल लाने के लालच में वो आदमी अच्छे फूलों को छोड़कर आगे बढ़ता गया और आखिर में कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है। हम भी भविष्य में ज्यादा अच्छा पाने के लालच में वर्तमान में हाथ आए अवसर को छोड़ देते हैं। इसलिए जैसे ही कोई अच्छा अवसर मिले उसका उपयोग कर लेना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, क्योंकि धर्म और अध्यात्म के साथ साथ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की डोज आपको यहीं पर मिलती है।